हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग बताइएगा ज़रूर। और मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गए थे, मुझे यानी कुछ ऐसी परेशानियाँ थी कि बता नहीं सकते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा जा रही हूँ सिवान। हम हैं और पीहू है, बीच में बैठी हुई है पीहू, और बाइक से हम लोग जा रहे हैं। तो क्योंकि हम लोग फोर व्हीलर गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उल्टी इतनी होती है ना कि हम लोग को बहुत लगती है ये पीहू को और हमको, तो इसीलिए सोचे हम लोग 75 किलोमीटर जाना है तो इसी से चले गए। और मौसम भी बहुत ठंडा था और अच्छा लग रहा था, तो इसीलिए हम लोग बाइक से निकल गए। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं सिवान में। तो यहाँ पे जो काम है हम लोग कर रहे हैं, और करके उसके बाद से यहाँ पे हम खड़े हैं और ये कुछ काम कर रहे थे, तो और जो काम था वो हो गया था, तो वहीं करके उसके बाद से यहाँ पे कुछ दवा लेना था हम लोग को, तो ये दवा ले रहे थे और हम यहीं पे खड़े थे पीहू को लेकर। और मौसम भी इतना अच्छा था, ठंडा ठंडा मौसम था, बहुत अच्छा लग रहा था मौसम, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन बच्चे को लेकर थोड़ा सा परेशानी होती है, तो वैसे कोई बात नहीं था। और मौसम भी बहुत ठंडा था, अच्छा भी लग रहा था। और मेरा यहीं पे प्रॉपर यहीं पे मेरा ये गांव है, तो आप लोग देख लीजिएगा, गांव भी है और ये यही मेरा ज़िला है। आप लोग से बताती भी हूँ कि मैं सिवान ज़िला से हूँ, तो यही मेरा ज़िला है, और आप लोग भी देख लीजिए मेरा ज़िला और बताइएगा ज़रूर कैसा है कमेंट बॉक्स में। तो ये मेरा सिवान ज़िला है और यहीं पे मेरा घर भी है। तो इधर मैं यहाँ पर पीहू को लेकर खड़ी हूँ और कुछ बातें कर रही थी आप लोग से, और पीहू को भी बात करा रही थी, बोल रही थी बोलो। तो इधर पीहू को थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, बार बार चेहरे में इनके फुंसी घाव फोड़ा निकल जाता है, इतना दवा खाती रहती है, उसके बावजूद भी गर्मी थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं होता है। और वहाँ से लेकर हम लोग फिर निकल गए, काम हो गया हम लोग को, तो यहाँ से फिर निकल गए। तो थोड़ा सा थकावट सी हो गई थी, लेकिन मौसम अच्छा था तो कोई दिक्कत नहीं था। पीहू थोड़ा थक गई थी, कुछ खा भी नहीं रही थी, एकदम उदास हो गई थी पीहू। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम, ठंडा ठंडा मौसम था, कभी कभी बारिश भी आ रहा था, जा रहा था थोड़ा थोड़ा, और उसी में हम लोग चल रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, ये रोड पे पेड़ इतना हरा हरा, इतना अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था यहीं पे बैठे कुछ देर तक, और हवा भी लग रहा था, मौसम इतना मस्त था कि क्या बताएं आप लोग से। धूप रहती तब तो हम लोग को तो हालत ही ख़राब हो जाती। और मैं आ गई हूँ देवरिया में, अपने जहाँ रहती हूँ वहाँ पे आ गई। तो आप लोग देख सकते हैं ये देवरिया ज़िला है, और यहीं पे हमारा स्कूल है, तो यहीं पे मेरा आईटीआई का स्कूल है, इधर ही कहीं साइड में है, तो आप लोग को नहीं दिखा पाए हैं। तो चलिए, मौसम का मस्ती लेते हुए चले भी गए और आ भी गए, लौट कर घर पे आ गए। उसके बाद से मेरे सर में बहुत दर्द था और थकावट सी हो गई थी। पीहू तो आई तो खुश थी, खेल रही थी, लेकिन हमको थकावट हो गई, तो मैं अनुराग को बोली मेरा सर दबा दो, तो वो बोल रहा मम्मी लाओ मैं
तुम्हारा बाल में खुजली भी कर दूंगा और जंपी भी कर दूंगा, सर भी दबा दूंगा। तो वही कर रहा था, डांस भी कर रहा था। बहुत शैतानी करता है, लेकिन जो कहते हैं वो कर ही देता है। ये ऐसे जंपी कर रहा था कि मेरा सर ही फोड़ देगा वैसे, और हंस भी रहा था, इसको मस्ती आ रही थी। इधर पीलू भी थी, मेरे अगल बगल घूम रही थी, खेल रही थी। उसके बाद से ये आप कैमरा में देख करके बात भी कर रहा था, आप लोग से उर्दू फारसी बोल रहा था और मेरा काम भी कर रहा था। तो यहाँ पीहू बिंदी लाई लेने, ये दोनों अपने में शैतानी करते हैं। तो देखिए कैसे मुंह बना रहा है। और तो यहाँ पर मेरा सर दबाया और बाल तो मुझे भूत बना दिया था करके, लेकिन बहुत आराम मिला सर दबाया। ये थ्रेडिंग दबा रहा है मेरा, उसके बाद से सर दबाया अच्छा से, इतना कर देता है। बहुत ज़्यादा है, छोटा है, बच्चा है अभी, फिर भी बहुत करता है, जो भी कहते हैं कर ही देता है मेरा बेटा। और मुझे थोड़ा थकावट भी हो रही थी, तो मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने के लिए। उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और रात भी हो गई थी आते आते। उसके बाद से मैं किचन में आई और फटाफट आटा गून करके रोटी बनाई, फिर ये पनीर की सब्जी इतना बनाई। तो आप लोग देख सकते हैं, और मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, बाय।